हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 18, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखिए, बहुत आसान चैप्टर है, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स इसके सीखे हैं, ठीक है, और हम लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस भी इस क्वेश्चंस की करी है, ठीक है ना। अब हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे, एक दो एग्जाम्पल और करवाऊंगा मैं आप लोगों को, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसके कम्प्लीट करवाऊंगा। देखिए, अब आज हम लोग जो इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है, रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज, जो कि हम लोग करेंगे एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अब सबसे पहले तो ये बताएं कि ओमिशन मतलब होता क्या है, ठीक है ना। ओमिशन मतलब क्या होता है? भूलना, ठीक है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ओमिशन को भूलना, ठीक है। तो ओमिशन, हर एक चीज को आपको वर्ड टू वर्ड अकाउंट्स के अंदर समझ में आनी चाहिए, तभी आप लोग हर एक चीज को अकाउंट्स को हर एक अकाउंट्स में हर एक एंट्री को अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ज्यादा छोटी सी सवाल है, क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। हम लोग इसको जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये लिख दिया, फिर उसके बाद लिखना है यहाँ पर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज। पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट, जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है का फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹5,000 टू राम ओमेटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। यानी कि आप जो है इसकी एंट्री करना ही भूल गए हैं। जब आप इसकी एंट्री करना भूल गए हैं तो आप इसकी एंट्री कर दो। सिंपल सी बात है कि आप लोग इसकी एंट्री करना भूल गए हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी, राम को माल बेचा, ठीक है। तो राम को माल बेचा यानी कि क्रेडिट बेचा है, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपीज से, 5,000 रुपीज से। ये हम लोगों ने 5,000 रुपीज से लिख दिया। अब आप लोग ट्रांजेक्शन हो ये लिख दें, नरेशन क्रेडिट सेल ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि आप रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है ना। वापस से आपने रिकॉर्ड कर दिया, कुछ प्रॉब्लम है आई इसके अंदर आप लोगों को, आई थिंक इसके अंदर क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इसके अंदर कुछ है नहीं। तो ये आप लोग जैसा करते आए हैं वैसा कर दे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि जो ये चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, दीज एरर आर रेक्टिफाइड बाय रिकॉर्डिंग द ओमिटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। यानी कि ये वाली जो रिकॉर्डिंग होती है वो ओमिटेड होती है, यानी कि भूल चूक के ट्रांजेक्शंस होते हैं। और तो क्या होता है, these errors do not affect the trial balance। यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं कि ये वाली जो errors होती हैं वो affect नहीं करती हैं ट्रायल बैलेंस को, ठीक है ना। ये वाली जो एरर्स होती हैं वो अफेक्ट नहीं करती हैं आपके ट्रायल बैलेंस को, ठीक है भाई। सेकंड वाला ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि गुड्स कॉस्ट 2,000 सेल,
2400 taken by the proprietor were not recorded anywhere. ठीक है ना, यानी कि प्रोपराइटर ने खुद के लिए वो पैसे निकाला, ठीक है, गुड्स निकाला, कितने का था, 2000 रुपीज का, लेकिन उसकी सेल प्राइस क्या लिख दी आप लोगों ने, 2400, तो आपने गलती है कर दी, आपने लिखा ही नहीं उसको, ठीक है, तो आप लोग क्या निकालेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स के साथ हमेशा परचेज आता है, यह हम लोगों ने पहले भी सीखा था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने रुपीज से, 2000 रुपीज का एक्चुअल में वो एंट्री थी। गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर, बाय द प्रोपराइटर were omitted, यानी कि लिखना भूल गए, ठीक है भैया, लिखना भूल गए, तो हम लोगों ने वापस से लिख दिया उसको। थर्ड वाला ट्रांजेक्शन, थर्ड वाला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है कि गुड्स सोल्ड टू हरी, भाई हरी को गुड सोल्ड करा था, ऑन क्रेडिट वर ओमिटेड फॉर द अकाउंट्स ऑल्दो द कैश रिसीव सब्सिक्वेंटली फॉर हिम स्टैंड्स पोस्टेड फॉर हिज क्रेडिट अकाउंट, ठीक है भाई, आप लोग लिखना भूल गए तो आप लोग लिख दो, हरी को आपने माल बेचा था, तो हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, या आपने इसकी भी एंट्री कर दी, तो इसकी आप लोग क्या रखेंगे, 350 रुपीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ गुड्स सोल्ड। फोर्थ नंबर की ट्रांजेक्शन, अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखिएगा ध्यान समझना इसको, अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश ऑफ 500 रुपीज टू बी ओमिटेड टू पोस्टेड, यानी कि एक क्रेडिट उधार माल बेचा है, उधार को माल बेचा है ओल्ड फर्नीचर को, जैसे ही वो पैसे देगा तो क्या करेंगे, देखिए इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी देखिए इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं पास की जाएगी, क्योंकि इसकी हम लोगों ने ऑलरेडी करेक्ट एंट्री पास हो जाएगा जर्नल के अंदर, जब भी हम लोग इसको पोस्ट करेंगे अकाउंट्स में, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, नो ओमिटेड जर्नल एंट्री, ठीक है, इसको हटा दो, नेक्स्ट करेंगे हम लोग फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन। फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि 31 मार्च 2021 गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹3000 वर रिटर्न्ड बाय द हरी टू बी टेकन इन द स्टॉक एट द सेम डेट, मतलब उसने माल वापस से भेज दिया, लेकिन आप लोगों ने इसकी एंट्री नहीं करी थी, आपने हरी को माल बेचा था, लेकिन उसने वापस से माल वापस से आपको लौटा दिया, यानी कि सेल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है ना, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, ठीक है, और इसकी आप लोग कितने से एंट्री कर देंगे, 3000 रुपीज से, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एंट्री ऑफ गुड्स रिटर्न्ड बाय हरी, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके मुझसे कभी भी किसी वक्त पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, अभी मैं आप अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के अलावा किसी और दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आप लोग ये सब चीज़ें क्वेश्चन को कॉपी के
नोटबुक के अंदर ज़रूर से करेंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।